वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी, सबसे पहले आज है 31 दिसंबर, और जी जितने भी मुझे देख रहे हैं या जो जो भी मेरी वीडियो को देखेगा, आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत ज़्यादा खुशियां मुबारक। और जी मेरी दुआ है कि ये जो साल है हम सबके लिए, हमारे मुल्क के पाकिस्तान के लिए, हमारे पाकिस्तान के लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हो, और जितने भी मतलब बीमारियाँ हैं वो जो है करोना मरोना जो भी है इस साल में सब खत्म हो जाए। और आप भी कमेंट्स में कह देना आमीन, और मैं भी बोल देती हूँ आमीन। और जितनी भी मतलब हमारी जिंदगियों में कमियां हैं, खामियां हैं, जो भी है वो इस साल में खुदा उन सबको पूरा करें। और जी ये है कि फिर मैंने कहा चले आज मैं जो भी अभी मतलब हमने अभी शाम का टाइम हो रहा है और अभी फिर न्यू ईयर की तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि ये कि नाइट चर्च भी करना है, 11 बजे हम चर्च जाएंगे और जो कपड़े वगैरह प्रेस करने हैं वो भी हो गए हैं, और जो कल के लिए खाना वगैरह बनाना है वो भी कुछ मतलब अभी ना मैं तैयार कर रही हूँ। ये था कि शामी कबाब बन रहे हैं, मैंने कहा चले अगले दिन भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, कस्टर्ड बनाना है वो भी आज ही बना के रख लेंगे। चर्च जाने से पहले पहले ना ये जो चीज़ें ना, कस्टर्ड हो गया, शामी कबाब, वो मैं बना के रख लूँगी। और फिर ये होगा कल को जिस तरह राइस वगैरह बनाने, वो तो अगले दिन बना लेते, क्योंकि ये होता है ना कोई घर में मेहमान वगैरह आ जाए तो फिर इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। तो जी आप जितने भी देखने वाले हैं आप सबको नए साल की खुशियां बहुत ज़्यादा मुबारक। और फिर ये था कि इसी वजह से ना इन दिनों में बहुत ज़्यादा बिजी थे, क्रिसमस तो ख़त्म हो चुका है और अब न्यू ईयर स्टार्ट हो गया है, और ये था कि पिछले दिनों में ना रेगुलर वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रही थी, इसी वजह से ना 2 दिन के बाद मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। और अभी फिर जैसे ये सारे जो हैं मतलब फेस्टिवल ख़त्म हो जाएंगे तो फिर उसके बाद ना फिर एक रूटीन जो है बन जाएगी, तो फिर हो सका कि फिर रोज़ाना जो है ना व्लॉग अपलोड किया करूं। और ये है कि अभी टाइम है 5 बजे का और ये व्लॉग शायद 7 या 8 बजे तक अपलोड हो जाए, तो फिर मैंने कहा कि चले जो भी अभी तैयारियाँ वगैरह हो रही है मैं आपको दिखाती हूँ, और चर्च जाएंगे। फिर ये कि चर्च जा के भी जो साल गुजर गया उसकी भी शुक्रगुजारी करेंगे कि बड़ा अच्छा अच्छा साल गुजर गया, और आने वाले साल के लिए दुआ करेंगे। और फिर ये होगा हमारे तो करीब ही है चर्च, ये होता है कि लोग ज़्यादातर ना नाइट का चर्च कर लेते हैं, लेकिन हम फिर 2 दफ़ा चले जाते हैं, करीब ही है, सुबह को भी जाएंगे। और फिर कल वाली जो वीडियो होगी ना वो भी ज़रूर देखना, और फिर ये होगा उसमें भी दिखाएंगे कि हाँ जी जी क्या किया, और कि अगर कोई आया तो फिर उसको भी दिखा देंगे। और जी फिर ये होगा कि अभी तो मैं फिर सबकी वीडियोज़ वॉच कर रही हूँ, जिसकी वॉच करती हूँ साथ में कमेंट भी कर देती हूँ। और आपसे दरख्वास्त है जिस जिसने भी चैनल सब्सक्राइब करना है फुल वीडियो देख के, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये था कि सैम को भी आज, सैम ने आज भी छुट्टी की है और कल न्यू ईयर, कल भी छुट्टी करेंगे। और फिर अभी ना आज हमने नाश्ता भी लेट किया था और अभी शाम के 5 हो चुके हैं, अभी मैंने और सैम ने खाना भी खाना है, अभी फिर खाना भी खाएंगे और शाम की चाय भी टाइम होने वाला है। और काफ़ी दिनों से ना हमारे जो रेगुलर व्यूवर्स हैं उन्होंने मेरी चाय नहीं देखी, तो हो सके आज देखने को मिल जाए, तो वो भी आपको दिखाएंगे। और फिर ये कभी जो भी हो रहा है वो आपको साथ शेयर करती हूँ, और जो कल वाला भी व्लॉग हो ना उसमें फिर जैसे चर्च जाएंगे तैयारी वगैरह करेंगे तो आपको मैं दिखाऊंगी। अभी चलते हैं हम किचन में, और किचन में जाके देखते हैं कि अभी फिर मैं क्या बना रही हूँ। और जी देख सकते हैं इधर फिर मैं ना जो मैंने शामी कबाब बनाने ना चिकन और दाल के ये मैंने रखे हुए हैं, मैंने कहा चलिए ये होता है अगले दिन ना इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता कि आप चर्च से आके सारा खाना अगले दिन बनाओ, और फिर मैं इस तरह करती होती हूँ, जिस तरह की चीज़ें होती हैं ना रात को बना के रख लेती हूँ। और देख सकते हैं ये जो हमारे अभी दाल और चिकन इसमें ऐड किया है और ये बन जाएंगे, क्योंकि ना रात तक फिर इनको बना के फ्रिज में रख दूँगी। और इधर ये जो है ना ये है मलाई, कस्टर्ड बनाएंगे उसमें इस्तेमाल होगी, तो इसको भी मैंने फ्रीज़र से निकाल के रख दिया है, और सारी जो मतलब होगी खाने की तैयारी श्यारी। और इधर देख सकते हैं 5 हो चुके हैं जी, जो जो भी तैयारियां हो रही हैं वो मैंने आपको दिखा दी हैं। और ये था कि अभी ब्लॉग्स आएंगे और उसमें भी देखूंगी कि हाँ जी सब तैयारियां कर रहे हैं न्यू ईयर की। और ये होता है कि क्रिसमस हो गया, न्यू ईयर हो गया, और इसमें फिर सारे बड़े अच्छे लगते हैं, न्यू ड्रेस पहनते हैं, चर्च जाते हैं, और फिर ये होता है रिलेटिव्स वगैरह मिलने आते एक दूसरे के घर। और ये सैम भी ना छत पे थे, क्योंकि आज फ्राइडे है ना और जितने भी जेंट्स वगैरह होते हैं उनको छुट्टी होती है, और ना काफ़ी ज़्यादा लोग छतों पे चढ़े हुए थे, वो ना कर रहे थे पतंगबाजी। और अभी सैम जनाब आ चुके, मैंने आपको बताया ना
इन्होंने खाना अभी नहीं खाया और मैंने भी नहीं खाया, और अभी कह रहे हैं जी मुझे रोटी बना दी जाए। और उससे पहले पहले ना ये भी आपको नया साल मुबारक कहना चाहेंगे, हमारे व्यूवर्स को बोल दो, हेलो जनाब, आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो एडवांस में। कोई दुआ नहीं देनी? ये साल हमारे लिए जो सा बहुत कोरोना अच्छा हो। बहुत अच्छा गुजरा है, जो सा नया आ रहा है ओमिक्रोन, ओमिक्रोन ओमिक्रॉन से भी खुदा हमारी जान छुड़ाए ना। जान छुड़ाए। हाँ जी, और ये था कि मैंने तो दुआएं कर दी हैं, और जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं ना वो भी मतलब आमीन कहेंगे, और खुदा मतलब हमें इन आफतों से निजात दे। और अभी फिर मैं जरा रोटी वगैरह बना लूँ तो हमारा व्लॉग कंटिन्यू है, तो चलें जी आप भी हमारे साथ साथ रहें। फाइनली रोटियां भी हमारी बन चुकी हैं, और दोपहर को मैंने बनाई थी दाल, मसर की दाल है। और ये था कि दाल के साथ ना पराठे अच्छे लगते हैं, तो फिर इस वजह से ये दो रोटियां सैम के लिए बनाई हैं और एक मेरे लिए। और अभी फिर ये था कि दूध भी आ चुका है, कुछ कस्टर्ड के लिए निकालेंगे, कुछ चाय वगैरह के लिए। और ये है रफान कस्टर्ड, तो मीठे मौके पे कुछ मीठी मीठी शेयरिंग हो जाए। और देख सकते हैं इस दफ़ा तो ना उन्होंने साथ ओरियो बिस्किट्स भी दिए, तो बड़ी बात है, चलें जी थैंक यू उनका। और देख सकते हैं चलें, वैसे भी खाने के बाद चाय तो बनेगी ना, तो फिर चाय के साथ हम खाएंगे। मैंने कहा हो सकता है उन्होंने साथ में ये कहा हो, कुछ लोग कस्टर्ड पे ना बिस्किट के साथ भी ना डेकोरेशन करते हैं, तो चलो अगर डेकोरेशन है हम तो चाय के साथ खाएंगे इसलिए। और मेरे व्लॉग में जी आ गई थी रोटी की ब्रेक, तो साथ साथ व्लॉग भी कंटिन्यू है, साथ साथ काम भी हो रहे हैं, तो चलें जी आप हमारे साथ साथ रहें। और अभी रोटी मेरी तो इधर ही पड़ी है, मैंने अभी खानी है। और अभी फिर ये तक शेल्फ पे बर्तनों का देख सकते हैं ढेर है, और अभी कस्टर्ड वाला दूध जो है मैंने डोल में रहने दिया, मैंने कहा चलें क्योंकि ना ये बन जाएंगे शामियां, तो उसके बाद फिर कस्टर्ड बनाएंगे और ऐसे फिर जो है वो टाइम गुजरता जाएगा। देख सकते हैं हमारी चाय भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि आपको आज चाय भी देखने को मिलेगी, और ये जो फ्री में आया गिफ्ट आया ओरियो, और ये भी चलें इनके काम आएगा। तो जी जनाब ये आपके लिए, ये नए साल की खुशी में ना रफान वालों ने आपको ना ओरियो गिफ्ट किया है, ठीक है? शुक्रिया जनाब। ये किसकी है जनाब? ये पापा की है, इनको दे दो। आगे देख सकते हैं इतने बिजी टाइम में भी फिर मैंने व्लॉग के लिए टाइम निकाल ही लिया, और जितने भी हमारे देखने वाले आप सबका थैंक यू। और आज बस छोटी सी शेयर यही है, और जो नेक्स्ट व्लॉग होगा ना वो आप जरूर देखिएगा कल वाला, तो मैं टाइम मुझे मिला तो मैं जरूर अपलोड करूंगी। तो जी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, और फुल वीडियो को देख के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे एक नई और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक खुदा हाफिज़।